बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज 29 जनवरी है 2024। हम आपके से दो तीन दिन से गायब रहे हैं, उसकी वजह लॉन्ग वीकेंड और फिर कुछ हमारे अपने मसरूफियात, तो ज़रा हम आपसे भी माजत खा हैं। बहरहाल आज मंडे है, 16 रजब है, 15 मगर है, मार्केट -103 है, नेगेटिव इंडस 62,773 और इलेक्शन की गहमागहमी है और इस गहमागहमी के साथ ये काफ़ी हमारे साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। कोई हमें कैंडिडेट्स मिलते हैं, कोई कैंडिडेट्स नहीं मिलते, कोई कैंडिडेट ढूंढते हैं वो नहीं मिल रहे। हमारे कुछ एक पार्टी है जिसका ना इलेक्शन ऑफिस है ना सब इलेक्शन ऑफिस है, उनके उम्मीदवार का भी नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। मगर जो कहते हैं जोर उसी पार्टी का, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, मगर ये तो ज़रा सरासर जाती है कि बिल्कुल यकसा मौके फराहम नहीं किए जा रहे। बहरहाल ये तो अब हम क्या कहें, सियासत से हमारा तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, मगर बतौर एक पाकिस्तानी एक सोशल एक्टिविस्ट मैं समझता हूँ कि सबको इक्वल मौके फराहम होने चाहिए मुतवाजन नुमाइंदगी के लिए, तभी तो इलेक्शन जो है ना इनके ऊपर कोई इस्तेहामिया निशान नहीं उठेगा। बहरहाल हज़्ब रवायत हज़्ब दस्तूर दो स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज हम दूसरी जो कंपनी करने जा रहे हैं ATRL कर रहे हैं, जो कि जे जावेद साहब और क्राफ्ट स्टाइल के ईमा पे कर रहे हैं, और इसको आज जल्दी से आज इसका हम बता देते हैं। 321.27 रुपये, 3.39 रुपये माइनस था, ओपन क्लोज ने हम नहीं इसमें जिक्र करते, मतलब ये कंपनी बहुत स्ट्रांग जा रही है। और अब इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग है वो 5 तारीख को आ रही है, 5 फरवरी को। अब देखिए, आप लोग मुझसे बहुत दवा पूछते हैं कि कंपनी क्या देगी क्या नहीं देगी। देखिए कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा करें ना प्लीज़, खुदा के वास्ते कंपनी इंटरम डिविडेंड नहीं देती, हालांकि इसकी जो दो सिस्टर कंसर्न है अटक पेट्रोलियम POL वो इंटरम डिविडेंड देती है। ये वाली कंपनी इंटरम डिविडेंड नहीं देती, ये ईयरली डिविडेंड देती है। तो मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे जितने क्या कहते हैं फॉलोअर्स हैं, अपने आप को थोड़ा सा आप भी स्टडी कर लें कि अटक रिफाइनरी एनुअल डिविडेंड देती है, पहली तो चीज़ यह। दूसरी चीज़, जो 5 तारीख को इनकी बोर्ड मीटिंग आ रही है उसमें बड़े ही अच्छे अच्छे क्या कहते हैं ये लोग डिसीजन ले रहे हैं, मगर कुछ हम भी थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि इससे पहले अगस्त में रिफाइनरी पॉलिसी आई थी, उस रिफाइनरी पॉलिसी में बहुत सारे तहफ़ात थे जो कि सारी रिफाइनरीज ने ऑब्जेक्शन किए, और उसके ऑब्जेक्शन की वजह से भी दोबारा वो ड्राइंग बोर्ड पे गए, और फिर ये मोहम्मद अली साहब जो अभी मौजूदा मिनिस्टर पेट्रोलियम है, ये लगता है कि थोड़ा पेट्रोलियम को समझते हैं, उन्होंने दोबारा कम से कम ये चीज़ें मान ली हैं। और मेरे ख्याल अभी कुछ थोड़े दिनों में ये क्या कहते हैं कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें फिर ये अटक रिफाइनरी के अलॉन्ग विद अदर रिफाइनरी की ना जो इनके तहफ़ात थे वो उन्होंने दूर कर रहे हैं। तो जो भी ग्रे एरियाज हैं वो आयरन आउट हो गए हैं, उसकी वजह से सब रिफाइनरीज जो हैं ना वो अपनी अपनी पॉलिसीज करेंगी, लेके आएंगी, एक्सपेंशन में चली जाएंगी, न्यू मोड्स में चलाई जाएंगी। और अब जो यूरो इनकी प्रोडक्शन है, यानी कि Euro 5 फ्यूल जिसमें गैसोलीन और हाई स्पीड डीजल है, ये Euro 5 स्टैंडर्ड्स पर लेके आएंगी। उसके साथ साथ अटक रिफाइनरी की जो नए जा रहे हैं ये एक्सपेंशन में, इनकी जो गैसोलीन की पैदावार है वो 24% बढ़ेगी। इसकी वजह से मेरे हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि कंपनी का जो शेयर है ना बाय द एंड ऑफ जून ये 450-450 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कंपनी की आप देखिएगा कि 5 तारीख की जो EPS है ना, इनका लास्ट EPS हम डिस्कस कर लेते हैं, इनका लास्ट EPS आया था वो 274.12 आया था ये 2023 की। तो अगर 274.12 EPS है तो ये EPS इनका 350 पर चला जाएगा और शेयर की वैल्यू 400 के ऊपर चला जाएगा।
तो मैं अटक रिफाइनरी में बहुत बुलिश हूँ और मैं इसको क्या कहता हूँ रिकमेंड स्टेटस देता हूँ, प्लीज टेक योर एंट्री एज यू फील लाइक, मगर प्लीज़ वेट फॉर द मार्केट टू सेटल। मार्केट अभी तक बहुत ही डिस्टेबलाइज फेज में है, बहरहाल मार्केट सेटल होने दे। मेरा ख्याल ये मार्केट जो सेटल होगी जाके वो मेरे हिसाब से जो है ना 59-60 पे सेटल होगी, उस वक्त तक आप अपने आप को होल्ड रखिए और मार्केट में एंट्री ना लें। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, हमारे चैनल का ख्याल रखिए, हमारे दूसरे चैनल का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। वस्सलातु वस्सलाम खातुम नबी। हमारी स्पार्क नेट्स 100% प्योर एंड नेचुरल, पाकिस्तानी बन के जियो, पाकिस्तानी पियो मरी स्पार्कलेट्स।